हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, तो स्वागत है आप लोगों का क्रिएट अबोव एंड बियॉन्ड की एक और वीडियो पे। और बैकग्राउंड पे भाई मेरे घर को थोड़ा सा इग्नोर मार सकते हो भाई एंड ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड जानना चाहते हो कि इसे कैसे खेलना है, भाई वीडियो देखते रहो। और भाई इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो भाई आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे खेलना है। तो यहाँ पर मुझे मिला है ह्यूमैन, तो ये मैन अपने को कुछ और दे रहा है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इससे टॉपजाई की आर्मर तो है, जो ये येलो कलर का ओर है, मुझे इस ब्लैक वाले ओर को चेक करना है। तो इसका आर्मर देखना है कितने पावरफुल है। वैसे ये पूरा डील तो देने नहीं वाला, टोटल 24 मुझे चाहिए इसका ओर एंड ये अपग्रेड हो रहा है, तो देखते हैं क्या ये अपग्रेड पर ला रहा है अपना ट्रेड। ओके, तो कुछ अजीब टाइप के ट्रेड दे रहा है, बाद में देखूंगा। मेरे पास एम्बर है, तो एम्बर भी इसके साथ मैं ट्रेड कर सकता हूँ, तो कर ही लेता हूँ। और एम्बर कहाँ से मिला अगर ये सोच रहे हो, तो भाई आप मेरे पुराने एपिसोड को चेकआउट कीजिए, आपको पता चल जाएगा एम्बर कहाँ से कलेक्ट करना है। तो थोड़ा बहुत वीडियो देखो फालतू के कुछ। एंड एक और चीज़, ओके, तो मैं इससे ड्रिल खरीद सकता हूँ, दो खरीद लेता हूँ, अपग्रेड भी हो जाएगा बेचारा। एंड देखते क्या कुछ, ओके, कुछ अपग्रेड तो यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे ऐसे ट्रैप कर सकता हूँ, तो ठीक है, अभी ये अपना ट्रैप हो जाएगा, कैदी बन जाएगा। और ओके, तो इसके आर्मर बनता है, ठीक है, तो मुझे इन लोगों से ट्रेड करके ओर कलेक्ट करना है एंड इसी ओर की मुझे ओपी वाले आर्मर बनाना है। फिलहाल तो मैं ये ड्रिल बनाऊँगा, ओके, ड्रिल मॉनिटर। तो ड्रिल मॉनिटर बनाने के लिए मुझे बस रेडस्टोन चाहिए और आयरन चाहिए, और यह ऐसे बन जाएगा ब्लॉक, और यह आ गया डील मॉनिटर, और यह आ गया यूरेनियम डील, ठीक है। तो ये है अपना यूरेनियम डील और इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखता हूँ चेक करके कैसा यूज़ करना है। अगर मैं इसे ओके होल्ड करूँगा, कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करने से आई थिंक होगा, पर क्राउच करके देखता हूँ, नहीं हो रहा, ओके, क्लिक करने से होता है। ये डील थोड़ा अलग है, बट इंस्टेंट माइंड करता है, देख सकते हो भाई, फुल इंस्टेंट माइंड बाजी, आई लाइक दिस। तो ये काफ़ी ओपी है एंड देखूंगा इससे क्या क्या माइन होता है। वैसे छोड़ो भाई, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड यहाँ पे एक एंडर मैन है, तो मुझे इससे एक चीज़ चाहिए, एंडर पर्ल, या फिर तुम कह सकते हो टेलीपोर्टर एनर्जी। ये तो यहाँ पे एंडर पर्ल एक्चुअली टेलीपोर्टर एनर्जी के नाम से है। भाई इससे वेदर इफेक्ट मिल रहा है, तो ये वाला स्वॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, एजुराइट स्वॉर्ड जो भी बोलते इसे एंड मरा, और इसने दिया नहीं दिया, ठीक है, इसको मारते एंड भाई प्लीज दे दे, ओके दे दिया इसने टेलीपोर्ट एनर्जी। तो ये है अपना टेलीपोर्टर एनर्जी, ठीक है, और ये अपना है स्प्रिट अपग्रेडर, तो इसको बना लेते हैं। और इससे मैं मॉब वाले को अपग्रेड करने वाला हूँ, आइटम वाले को नहीं। तो मुझे मॉब वाले को अपग्रेड करने के लिए मुझे बस मॉब वाले से 3 ब्लॉक की डिस्टेंस रखना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना काम नहीं करेगा, ये 3 ब्लॉक रेडियस के अंदर काम करने वाला है। तो ओके, तो ये काम कर दिया है, देखो फास्ट मोड लिख के भी आया है, और इसका नहीं है, इसका हो चुका है फास्ट मोड। तो आप कोई भी मॉप, आई मीन जो ज़ॉम्बी स्केलेटन क्रीपर एंड स्पाइडर है, वो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के अंदर मर जाएगा। और मैंने इसको बेड दे दिया है, अगर ये सो जाए तो बहुत बढ़िया, भाई साहब आ जा भाई। ओके, ये अभी भी ट्रेड लॉक है, अगर ये सो के उठेगा तो इसकी ट्रेड अनलॉक हो सकता है, इसे मैं बाद में चेक करूँगा। ओके, अब ये सो चुका है एंड मैं इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ, वनीला वाले पिकैक्स सही है, ये सी वनीला वाला पिकैक्स है, बस लुक अलग है। ओके, तो मैंने इसकी मार्क करके रखा है, एक एम्बर मॉब्स मिला है अपने को। ओके, वनीला वाले पिकैक्स पकड़ो, ठीक है, इससे होगा एंड अपने आप मर गया। यस, तो ये मशीन काम कर रहा है, बस ये वाले ज़ॉम्बी नहीं मरने वाला है, क्योंकि ये मॉडरेट वाले ज़ॉम्बी है, तो मेरा जो मशीन है वो बस वनीला वाले ज़ॉम्बी को ही मार सकता है। एंड अब मैं नेदर पे आ चुका हूँ, फिर थोड़ा सा काम है नेदर पे एंड तो भाई टोटल कहाँ से आया ये मत पूछो, टोटल मैंने ये सब ऑलरेडी दिखा के रखा है। ओके, तो ये मरा, ठीक है, नॉट बैड। और यहाँ पर एक रोबोट है, हर जगह रोबोट एंड एलियंस से भरे पड़े हैं। ओके भाई, फायर डैमेज देता है, तो मुझे थोड़ा संभल के, क्योंकि इस वाले आर्मर में फुल प्रोटेक्शन नहीं है एंड ओके मरा, चलो बहुत बढ़िया, खाने का कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अब से मैं नेदर आने वाला हूँ खाना कलेक्ट करने के लिए।
भाई जॉम्बी पिकमैन के स्वाद देखे क्या ओपी था। एंड यहाँ पे एक बार मैं कोशिश करता हूँ ड्रिल को इसके ऊपर यूज़ करके। ओके फूड चाहिए अपने को, नाइस। एंड ओके मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, इट मे ब्रेक। ओके मतलब ये जो ड्रिल है ये टूट जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बेड बना लेता हूँ क्योंकि मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ बेड बॉम्ब। यस सो ये एंशिएंट डेब्रिस माइंड करने के लिए सबसे बेस्ट है। एंड थोड़ा सा दूर जाना है अपने को, एंड थोड़ा सेफ दूर से ऐसे तोड़ना है। ओके बढ़िया है, क्लिक करते ही पीछे चले जाओ तो जलोगे नहीं। एंड यहाँ पे ओके मुझे एक मॉडेट वाले और दिखाई दिया है बट एंशिएंट डेब्रिस नहीं दिखाई दिया। ओके अब मिला है, मैं थोड़े बहुत कलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस तो एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट हो चुका है एंड अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक स्टोरेज एक्सपोर्ट मॉनिटर इम्पोर्ट मॉनिटर और कंट्रोलर। यस तो अब यहाँ पे स्टोरेज वाला काम होने वाला है। तो कंट्रोलर बनाने के लिए मुझे नेदरराइट इनकोर चाहिए था तो आ चुका है मेरे पास। टोटल 10 नेदरराइट क्राफ्ट था तो ये आ गया इम्पोर्ट मॉनिटर। तो इन तीनों के बहुत काम है तो हमें बस 3 ब्लॉक मिला है यहाँ पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड कंट्रोलर। तो पहले तो मैं कंट्रोलर को नीचे रखूँगा एंड उसके ऊपर मैं रखूँगा एक्सपोर्ट मॉनिटर को कुछ ऐसे जस्ट लाइक दैट। ओके क्राउच कर लो, हाँ अब हो चुका है। एंड अब रखना है अपने को इम्पोर्ट मॉनिटर साइड में, तो इसके साइड में मैं इम्पोर्ट मॉनिटर को रखने वाला हूँ। अभी ये सेटअप हो चुका है, इसे क्लिक करके मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया स्टोरेज का सेटअप, अब बस मुझे इस पर आइटम को ले जाना है। और हाँ इसमें हम लोग आइटम को हाथ में लेकर क्लिक करके इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बस एक ऑब्जर्वर वाला सिस्टम लगा रहा हूँ, एक ऑब्जर्वर चेस को ऑब्जर्व करने वाला है और एक ऑब्जर्वर ड्रॉपर को ऑब्जर्व करने वाला है। जस्ट मुझे सही से लगाना है, ओके ऐसा नहीं करना था। ओके इस एंगल से आई थिंक हो जाएगा बस, ओके हो गया। एंड चलो एक मिनट, ये आ गया गन अपने पास, अब दिखाता हूँ क्यों आया मज़ा हमसे पंगा। ओके तो ये वाला नीचे वाला जो ऑब्जर्वर है ऊपर वाले ऑब्जर्वर की सिग्नल को ऑब्जर्व करने वाला है, नॉट ड्रॉपर को, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। एंड ड्रॉपर की फेस मुझे सामने की ओर रखना है इस साइड के। ओके कुछ जस्ट लाइक दैट, ओके लाइक दैट। एंड इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक। ओके तो अब नीचे वाला ऑब्जर्वर ऊपर वाले ऑब्जर्वर की रेस्टोन सिग्नल को ऑब्जर्व करने वाला है और इसको ऐसे लगा देते। ओके तो अब ये वाला सिस्टम रेडी है। एंड यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें आएगा वो लिख के आएगा क्या क्या आ रहा है। तो पाइप की मदद से सारे चीज़ें इम्पोर्टर पे आने वाला है। एंड अगर आप सोचो कि इससे चीज़ें निकाले कैसे, तो आपको बस जो चीज़ें निकालना है उसको हाथ पे लेना है एंड एक्सपोर्ट मॉनिटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखेगा फिलर सेट एंड इसके बाद आप खाली हाथ से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, तो जैसे कि स्लो मीडियम फास्ट वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट पे है। एंड अब मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ हॉपर को, इसके जगह मैं इम्पोर्ट मॉनिटर को लगा रहा हूँ। यस तो अब हम मशीन के जगह मतलब अब हॉपर के जगह इम्पोर्ट मॉनिटर को लगा सकते हो और यहाँ पे मल्टीपल इम्पोर्ट मॉनिटर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कंट्रोलर पे भी आप देख सकते हो रेडस्टोन ब्लॉक भी आ चुका है, आयरन नगेट गोल्ड नगेट ये सब कुछ आ चुका है। तो यस तो अब हमें यहाँ पे इन्फिनाइट स्टोरेज मिल चुका है, तो स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ बस इसे निकालने में थोड़ा सा झंझट है, आपको सेम चीज़ चाहिए तभी आप उसे निकाल सकते हो। और यहाँ पे वनीला वाली चीज़ें हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मॉडर्न वाले नहीं। तो आने वाली सीरीज़ पे मैं एडवांस वाले यूज़ करूँगा, तो अभी के लिए तो ये वाले स्टोरेज सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। एंड मैं यहाँ पे एक रोबोट भी बना लेता हूँ भाई सिक्योरिटी के लिए। एंड ओके थोड़े बहुत आयरन की कमी था। एंड ये आ गया अपने पास, ठीक है जैक्स जैक्स ओके जैक्स। तो जैक्स को मुझे यहाँ पे समॉन करना है, देखते कैसे समॉन होता है। होल्ड ओके हो गया। इसकी हेल्थ 120 है और इसे मुझे ये दे रहा है फॉलोअर चिप, तो इससे हम लोग इसे टेम कर सकते हैं। यहाँ पर समझ लो हम लोग इसे अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लिए कंट्रोल कर सकते हैं। ओके तो अब मुझे इसे बाहर ले जाना है, ठीक है। तो ये आप टेम हो चुका है, यहाँ पर कह लो अपने को मास्टर सोच लिया है, यानी कि अपना स्लेव बन चुका है। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है एंड डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।